अलैकुम। तो कैसे हैं आप भाई? वो खैरियत से होंगे। मेरा नाम इफ़िकर लाल और आप देख रहे हैं पाक गरियात ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो और आज एक मशहूर तरीन पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम छांगड़ा गली, जिसे बंदर पॉइंट कहते हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ से आपको अपडेट करेंगे कि मौसम कैसा है, इधर की टूरिज़म पुलिस के हवाले से बताएंगे कि आपके साथ कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो टूरिज़म पुलिस को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, हम तक कैसे पहुँच सकते हैं, वो आप तक कैसे पहुँचें। कहीं कहीं रात को आपकी गाड़ी ख़राब है, कहीं आप किसी मसाइल में फंस चुके हैं, आपको कोई भी परेशानी है, वो भी आपको बताएंगे। अभी टूरिज़म पुलिस से बात भी करेंगे और इधर का पूरा व्यू दिखाएंगे आपको, इधर के बंदरों के साथ खेलते और काफ़ी फैमिली आई हुई है, उनसे भी इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे और आपके साथ तमाम अपडेट्स शेयर करेंगे। तो चलते हैं जी अपने टूरिज़म पुलिस की तरफ। ये हमारे भाई खड़े हैं इधर जी, इनसे पूछते हैं कि गदियात में क्या मतलब आप इंतजाम किए हुए इंतजामिया की तरफ से और क्या सिस्टम है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, खैरियत है माशाल्लाह जी। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, ये मैंने बड़े दफ़ा देखा है आपको घूमते फिरते हुए, लेकिन हर जगह पे आपकी ड्यूटी माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और काइंडली आप हमें ये बताएं हमारे आने वाले टूरिस्ट हज़रात को कि आप क्या क्या सहूलत उनको देते हैं, इंतजामिया की तरफ से क्या किया बात दी साहब? हमने रिस्किंग की ट्रेनिंग दी है, ट्रैफिक भी ट्रैफिक की जितनी ड्यूटी भी है हम करते हैं, लेकिन जो रश होते हैं वो भी हम खोल देते हैं। अच्छा, और इमरजेंसी जो होती है, अगर से किसी टूरिस्ट को इमरजेंसी हुई है, कहीं किसी की गाड़ी ख़राब हो गई या कहीं फ्यूल ख़त्म हो गया बेबान जंगल में, तो आपके साथ कैसे अप्रोच करते हैं और कितने टाइम तक पहुंचते हैं? तो हमारे पास वो फर्स्ट एड की सामान भी मौजूद, तो हम उसको फर्स्ट एड करते हैं और हमारे पास हेल्पलाइन है 14-22, उसको भी हम बुला लेते हैं, जितना हो सके हम करते हैं उसके लिए। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। और आपकी ड्यूटी मतलब इन्हीं मतलब गलियात में ही है? गलियात में भी नहीं, पूरे केपी में है टूरिज्म पुलिस। पूरे केपी में टूरिज्म पुलिस, स्वात है, मानसेरा है, चतराल है और गलियात भी है। गलियात है माशाल्लाह जी, गलियात में भैया बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी, ये होनी चाहिए हमारे टूरिस्ट को। कहीं भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है? मसला भी नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। आप एक दफ़ा हेल्पलाइन अपनी फिर बोलें। हमारा हेल्पलाइन जो है वो 14-22 है। 14-22 पे आप उसी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल होती है, मेरे ख्याल से फ्री कॉल होती है, 24 घंटे वो आप कॉल कर सकते हो हेल्पलाइन 14-22। किसी किस्म की वेदर अपडेट हो, कोई भी अपडेट हो, आप इनसे पूछ सकते हैं, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं, यहाँ की गाइडनेस ले सकते हैं, ये आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपका काम देख के बहुत अच्छा लगा और अप्रिशिएट करते हैं केपी गवर्नमेंट को जी। ये माशाल्लाह जी इनके पास बाइक्स वगैरह और बड़े अच्छा तरीके से ये गाइड करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनका सिस्टम बना हुआ है, और कहीं भी किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये हमारी टूरिज़म पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पर पहुँचती है जी माशाल्लाह जी। और एक चीज़ दिखाऊँ जी, बंदर पॉइंट, यहाँ से लोग आते हैं, छली वगैरह डालते हैं बंदरों को और बंदर जो हैंगे उनके साथ खेल मखेल भी करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। लेकिन अभी भाई साहब से पूछते हैं जी, कितना अरसा हो गया इनको यहाँ पे ये ठेला लगाते हुए, कितना टाइम हो गया और इधर मतलब कैसे लोग एंजॉय करते हैं? अभी कोई गेस्ट आते हैं तो देखते हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं कोई फैमिली है और ये इन्होंने बाज अपने कंधे पे बिठाया हुआ है माशाल्लाह। इस तरह आप भी कर सकते हैं, इस जगह पर ज़रूर एक दफ़ा आएँ और यहाँ पर बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पर देखें जी, बंदरों के लिए इन्होंने पानी भी रखा हुआ है, ये मंकी पानी पी रहा है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह जी क्या ही खूबसूरत मनाजर हैं। और इस तरफ देखें जी जंगल, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ से छली वगैरह और ज़बरदस्त किस्म का माहौल है यहाँ पे। खूबसूरत तरीन एरिया में खूबसूरत लोग, और लाहौर से आए हुए हमारे कुछ मेहमान, इनसे कुछ पूछेंगे कैसा लगा यहाँ पे आके, रूम कहाँ लिया और कहाँ जा रहे हैं, और इधर का वेदर सबसे प्यारी चीज़ होगी वेदर, उससे पूछेंगे। सामने आप देख सकते हैं, बाद में आपको व्यू कराते हैं जी। हमारे प्यारे भाई हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? कैसे हैं जी सर, कहाँ से आएँ? लाहौर से आए माशाल्लाह। तो कैसा लगा गलियात में आके, और गलियात के बहुत प्यारी और मौसम वो जो इधर का वेदर है ना, बहुत प्यारा, यकीन करें बादल देखो बहुत एंजॉय हो रहा है, ऐसे जैसे पता नहीं कोई किस जगह पे आ गए, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मौसम है। तो इधर का क्या बात, अभी कहाँ से आ रहे हैं आप सर? अभी तो हम आ रहे हैं नथिया गली से, यूबिया से होके अभी आप मरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, कैसा लगा मतलब इधर के लोग, लोकल लोग खास तौर पे, उनका कॉर्पोरेट होटल्स के, आप कहाँ मतलब कहाँ कहाँ गए? हम नथिया गली गए। अच्छा, कल गए थे साबरी आबशार, नमली मेहराब शहर, नहीं नहीं साबरी आबशार, साबरी आबशार कश्मीर वाली साइड। अच्छा कश्मीर वाली साइड, अच्छा मैं कहूँ गलियात का, अच्छा वाली साइड पे, उधर भी एंजॉय किया, इधर के लोगों से मिले, हंसी मजाक किया, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत मजा आया, इतना प्यारा व्यू हमें देखने को मिला कश्मीर के, इतने दरख्त वगैरह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत माहौल है इधर। तो क्या कहना चाहेंगे, जो रिकमेंड क्या करेंगे जो आने वाले हमारे प्यारे भाई दोस्त हैं? लेके माशाल्लाह अपना जरा माइंड फ्रेश करें, इंजॉय होता है इधर, बहुत मजा आता है, बंदा फिरे, इंजॉय करे, खाना खाए,
तो रूम रेंट्स के वजह से क्या कहेंगे कि आपको रूम सही? नॉर्मल और अच्छा अच्छा है, और ऊपर छत के भी व्यू माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, दूर दूर तक ऐसे बादल ही बादल, हवा माशाल्लाह, रात को सर्दी, बारिश हुई है कल, आज बहुत बारिश हुई है, आज भी सुबह सुबह इतनी ज्यादा बारिश हुई है माशाल्लाह, सर्दी इतनी है, क्या बात है, मजा फुल मजा। जैकेट बहनी भी पहनी हुई है और मैंने भी पहनी है, देख सकते हैं आप माशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच, एंजॉय करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।